हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि निफ्टी पर आगे क्या होना चाहिए, आगे भविष्य में जो है निफ्टी पर क्या होगा। और आज दोस्तों डेट है 28 नवंबर की, तो 28 नवंबर को अभी मैं आज मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो जो है आने वाले भविष्य में क्या निफ्टी में होने की संभावना है उसको बताएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, डेली कैंडल चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। तो ये डेली कैंडल चार्ट आप देख सकते हो और कईयों के दिमाग में होगा कि यार ये निफ्टी तो यार ब्रेकआउट मार गया है और लगातार जो है ये तो ऊपर ही जाता जाएगा मार्केट, ठीक है। तो देखो, ये जो इस तरीके का जो अभी मूव आया है निफ्टी के ऊपर में, ये एक बहुत बड़ा लेवल पे जो है सेंटीमेंट क्रिएट करता है कि भाई यहाँ से जो है मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली कुछ ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जी बिल्कुल दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कुछ ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो भविष्य की एक अगर कहें तो भविष्य की एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि भविष्य में क्या होगा मार्केट में। हालांकि मैं उन लीडिंग इंडिकेटर्स को आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता हूं, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्केट में जो दिखाया जाता है ना वैसा होता नहीं है। अगर आप ये सोच करके जो है यहाँ पे बाई करना शुरू करोगे जहाँ पे मार्केट अभी बहुत हाईली ओवरबोट जोन में है, ठीक है। ओवरबोट का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने यहाँ RSI में जो है 80 का लेवल देख लिया, ये देख लिया लेवल कि 70 के ऊपर RSI पे पहुंच जाए तो ओवरबोट हो जाएगा। ओवरबोट काफ़ी डिफरेंट सेंस में होता है दोस्तों। मार्केट एक्चुअली जो है दोस्तों, इंडिया के मार्केट ने अगर ग्लोबली वर्ल्ड के मार्केट देखें तो उसकी तुलना में काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, जो कि इंडिया को डीकपल रखा है काफ़ी टाइम तक जो वर्ल्ड के मार्केट है। बट जो वर्ल्ड में होता है, स्पेशली वर्ल्ड से बात कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जैसा होता है वैसी ही चीज़ों का इफ़ेक्ट इंडिया पर भी होता है। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है प्रॉब्लम्स चल रही है, रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो FIIs हैं, जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी भी कहते हैं जिनको, तो वो लोग जो है हमेशा उनके पैसों को जो है बड़े तरीके से जो है मार्केट में इंसर्ट कराते हैं और बहुत तरीके से मार्केट से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे हमको उनके FIIs के पैटर्न्स को पढ़ना होता है, तब जाके हम समझ पाते हैं कि आखिर मार्केट में होगा क्या। अब देखो, यहाँ पे जो चीज़ दिखाई जा रही है, ये चूँकि ये लास्ट जो अभी ब्रेकआउट कैंडल बनी थी अगर देखें तो 24 नवंबर के दिन, तो ये एक देखो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा और ऊपर चल जाए और 19,000 के लेवल भी दिखा दे। लेकिन क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आप जो है दोस्तों आप जो है बाई साइड में बैठ सकते हो मार्केट में। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे दोस्तों बहुत हाई रिस्क है और मार्केट में। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे शॉर्ट होना आसान नहीं रहा होगा पिछले कई महीनों में जो शॉर्ट में गेम खेल रहे हैं, ठीक है। मार्केट लगातार ऊपर उठा के रखा गया है यहाँ पे निफ्टी पे, जबकि आप देखो अगर आपको रिसेशन या मार्केट में जो समस्याएं हो, अगर उसकी बातें समझ नहीं आ रही है, तो आप जाकर के कई सारे इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स को देखो, आपको पता चलेगा कि उनकी प्राइस आधी रह गई है, 50% तक जो है वो शेयर गिर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो निफ्टी को सिर्फ उठा के रखा गया है, ये सिर्फ अगर देखें तो ये कुछ 4-5 स्टॉक है, ये रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इंफोसिस हो गया, TCS, ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC, ITC। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ओवरवेट, ये हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी के। ये जो 5-6 स्टॉक्स है ना, इनको जिधर इनको बाई कर करके रखा जा रहा है, और इसके अलावा जो है बाकी पूरे स्टॉक मार्केट में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। बहुत सारे स्टॉक्स 50-50% तक करेक्ट हो गए हैं। कई मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये DVL कंपनी है,
देखो, अगर ये मार्केट में रिसेशन या क्रैश की नहीं है तो फिर क्या है ये, ठीक है? और ये और फर्दर नीचे जा सकते हैं। अगर आप इनको बाई करते जाओगे इन प्राइस पॉइंट्स पे, तो हो सकता है आप और ज़्यादा ट्रैप होते जाओ मार्केट में, ठीक है? और ये मार्केट जो है कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी, ठीक है? हम अपना व्यू लेकर के जो है आने वाले 6 महीने या साल भर के लिए बैठ सकते हैं कि भाई देखो, मैं एक ट्रेड है, मैं यही कहूँगा कि कॉपी ना करिए उसको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर मान लो आप आज से 1 साल आगे के दिसंबर मंथ के या आज से 6 महीने में आपको लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, तो 18,500 के ऊपर के जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, चाहे 19,000 की हो, 19,500 हो, या 2,000, 20,000 की हो, तो इसके पुट बाई करके रखोगे तो बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। और अगर आप आउट ऑफ द मनी बाई करना चाहते हो, जैसे कि 18,000, 17,500, 16,000 के पुट्स, तो ये आउट ऑफ द मनी पुट्स बाई किए जाते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट का कोई पोर्टफोलियो हो और उसको जो है आपको प्रोटेक्ट करना हो बाई एन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आउट ऑफ द मनी बाई करके रख सकते हो कि भाई मार्केट क्रैश हो जाएगा और 15,000 पे आ जाएगा, तो आप आज से 1 साल आगे के या 6 महीने आगे के 15,000 के पुट बाई करके रख सकते हो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट की अगर कोई पोजीशन हो वो जितना लॉस दे रही होगी, ये 15,000 के पुट आपको प्रॉफिट दे देंगे अगर मार्केट में क्रैश होता है या मार्केट में गिरावट आती है। देखो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है गिरावट आनी चाहिए, ये मार्केट को जो है ज़बरदस्ती उठा के रखा जा रहा है। इसका असर एक्चुअली बॉन्ड यील्ड का मार्केट होता है उससे पता चलता है, बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं और इसको समझते हैं कि भाई बॉन्ड जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बॉन्ड यील्ड का मार्केट होता है, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड, अगर आप कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स को सुनोगे तो पता चलेगा आपको कि उन जो 10 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट जो दी जाती है ना अमेरिका के US फेडरल रिजर्व के द्वारा, 10 साल पे मान लो 4% इंटरेस्ट रेट दी जाती है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 4% वो श्योर्ड रिटर्न देते हैं, बॉन्ड यील्ड एक श्योर्ड रिटर्न होता है। अब वो जो है अगर उसको 2 साल के जो इंटरेस्ट रेट के जो श्योर्ड रिटर्न होते हैं अगर उनसे कंपेयर करोगे, तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व 10 साल के लिए 4% दे रहा है, तो 2 साल में अगर आप 2 साल के उनके बॉन्ड यील्ड को खरीदोगे तो 2 साल के लिए आपको उससे ज़्यादा दे रहा है, 4.5% दे रहा है रिटर्न, तो ये क्यों हो रहा है आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जब जब ऐसा हुआ है इतिहास में तब तक स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ ही हुआ है। अब US फेडरल रिजर्व के पास कोई ऑप्शन है नहीं कि वो जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, उनको लगातार बढ़ाना ही पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को। तो दोस्तों, यही बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस टाइम पे मार्केट आसान नहीं है। इस जगह पे जाकर के कोई आदमी आपको बोलेगा कि शॉर्ट कर दो स्टॉक मार्केट को, तो यार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है, और रोज़ मार्केट बढ़ रहा है और ये बात कर रहा है शॉर्ट करने की, ठीक है, स्टॉक मार्केट को, क्योंकि ये बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है मार्केट, हो सकता है यहाँ से और ऊपर के लेवल भी दिखा दे। तो इसलिए क्या है कि जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है स्टॉक मार्केट में, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जिनके पास करोड़ों में जिनके पास पैसा होता है, जो मार्केट में लॉस बियर कर सकते हैं, वही सिर्फ स्टॉक मार्केट से बड़े रिटर्न बना पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला होगा और आपके भविष्य में काफ़ी काम आएगा ये जो एनालिसिस है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो जैसे ये निफ्टी है, अभी निफ्टी 50 चल रहा है ना, इसको ये जो बैंक निफ्टी है जब तक ये नहीं गिरेगा ना बुरी तरह से, रोज जब तक 15-20% से ये करेक्ट नहीं होगा तब तक निफ्टी 50 करेक्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और सेम सिनेरियो ये है कि IT सेक्टर तो करेक्ट हो ही गया, लेकिन क्या ये रिलायंस जो है बिल्कुल, ये इस तरीके का स्टॉक है कि रिलायंस से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे निफ्टी को, तो इस तरीके का एक सिचुएशन है, इस तरीके का सिनेरियो है यहाँ पे मार्केट में। आप काफ़ी इसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ खास जानने को मिला होगा। अभी मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। मैं वीडियो को अगर दोस्तों आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।